मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के चौथे चरण का लोकसभा सीट का चुनाव आज खत्म हो गया है। अगर कल्याण लोकसभा सीट की हम बात करें तो यहां 41.64% मतदान हुआ है, यानी मतदान बेहद कम हुआ है। लोग बदलाव चाहते हैं, मगर बदलाव करने के लिए आपको वोट देने की जरूरत है। जब आप घरों से निकलकर वोट करेंगे तभी बदलाव होगा। कल्याण लोकसभा में सिर्फ 41.64% ही मतदान हुआ है। अगर हम कलवा मुमरा की बात करें तो यहाँ 35.95% मतदान हुआ है, जो बेहद ही कम है। वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है क्योंकि कुछ लोगों ने जिम्मेदारी नहीं समझी और वोट नहीं दिए हैं। हालांकि मुमरा शहर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हुए और अपना कीमती वोट नहीं दिए। हम आपको कुछ दिव्यांग लोगों की तस्वीरें दिखाते हैं, जो चिलचिलाती धूप में भी उन्होंने अपना वोट दिया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। इससे सीख लेने की बेहद जरूरत है। जरा सोचिए, आप वोट नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे होगा। मुमरा रेती बंदर से वाई जैक्सन तक 31 मतदान केंद्र थे और 184 बूथ थे, जिनमें 3 संवेदनशील थे, मगर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। मतदान के समय पुलिस का भारी बंदोबस्त था कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो सके। हालांकि कुछ वोटर परेशान जरूर दिखे, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था या नाम और एड्रेस में कुछ गड़बड़ी थी। क्या माहौल है आज चुनाव को लेकर? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, लोग वोट डालने के लिए उतर रहे, बड़ी कसरत से उतर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि मुमरा के अंदर जो यादी का सिस्टम है, ये बड़ा गड़बड़ हुआ है। अगर कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल का ऐप ना हो तो मेरे ख्याल से हम 50% भी वोट नहीं डाल पाएंगे। इस तरीके की गलत मतदार यादी बनाई गई है। जिनका आदि में नाम है, उनका नाम आप कैसे निकालते? बहुत सारे पुराने वोटर जिनके पास पुरानी आईडी है उनके तक नाम नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन ये जो साइट है उस पर स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी की स्पेलिंग आधार कार्ड पे अलग है, इलेक्शन कार्ड पे अलग है। फिर हम लोग स्पेलिंग बदल बदल के देख रहे हैं, तब जाके उनके नाम मिल रहे हैं। हम लोग वैसा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एड्रेसेस सबके रॉन्ग दिए हुए हैं, डायरेक्टली रोड से लेके पहाड़ तक का ऐसा नाम दे दिया है। कोई पर्टिकुलर चौल या बिल्डिंग ऐसा रूम नंबर के साथ बताया गया नहीं है। आधार कार्ड का नाम का कोई भी इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है पब्लिक को। खाली नाम के लिए फोटो दिखा के वोट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, मगर डायरेक्टली उसका इलेक्शन कमीशन के साइट से कोई लिंक नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम अगले इलेक्शन में वोटर्स को फेस ना करना पड़े। अब ये इतने सारे वोटर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने खुद भी पर्ची बंटवाई है, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के घर तक पर्ची पहुंची नहीं है। मतलब उनका भी काम अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो वोटर्स को बहुत दिक्कत हो रही है। ये सब चीज़ों पर ध्यान दे के अगले विधानसभा इलेक्शन के पहले उनको पक्का सर्वे करना चाहिए। इसके बावजूद कलवा मुमरा का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, 35.95% रहा, यानी बेहद ही कम रहा। हम आपको मतदान के वक्त की ली गई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने मतदान किया है। जनता विकास जरूर चाहती है और विकास पर ही चुनाव होता है। कुछ लोगों ने जिम्मेदारी समझी और वोट दिया। अब जनता ने वोटिंग कर अपना फैसला कर दिया है। अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 23 मई को ही पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।